हेलो गाइस, ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। लास्ट एपिसोड हम लोगों ने एक और टावर किया और टावर के ऊपर वाले इंसान से मिले। अब आज के एपिसोड में मुझे जाना है रीटो विलेज और रीटो विलेज वाला टावर एक्टिवेट करना है। सो हमारे पास एक और एरिया आ जाए और फिर आई वॉन्ट टू ट्राई टू गो टू रीटो विलेज। रीटो विलेज में जाके लोगों से बात, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि रीटो विलेज यहाँ से बहुत पास में है। अनलाइक कहाँ पे थे हम लोग, जोराज डोमेन जो थोड़ा अंदर था और थोड़ा मुश्किल था वहाँ जाने का रास्ता, अपेरेंटली वैसा नहीं है। सो हम लोग देखेंगे, वी विल ट्राई ठीक है। और वो एक चीज़ है जो करनी है आज, और दूसरी चीज़ है कि मुझे जाना है दूसरा एक टावर करने। सो आई थिंक रीटो विलेज के और वेस्ट में एक और टावर का, मतलब वो एक और मैप का एरिया है, वो अनलॉक नहीं हुआ है। सो वी विल बी डूइंग दैट मोस्टली, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू, देखते रहिए मेरे साथ, रहते दो वाइल्ड, ठीक है। एंजॉय, आप वही करते हो वैसे भी, तो वही करते रहिए। और मैं आप लोगों से बात करते करते भी घोड़े के सिर पे आ गया, स्टेबल के ऊपर के घोड़े के सिर पे, दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। पर चलते आ गए, बहुत हो गई बकवास, ठीक है, लेट्स गो। ओके गाइज, मैंने शे लोया नाम की एक श्राइन की है अभी, और इतना खास कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं उसमें, बट मैंने किया। और मेरे पास अभी एक स्पिरिट ऑर्ब है। यहाँ पे इंसान है, इंसान भाई तू क्या कर, ओ ओ ओके, व्हाट इज इट, माय स्मार्ट मैन, ओके, व्हाट कुड इट बी। इतना ये कुछ खाता वाता नहीं है यार, क्या दिखा रहा है। आई हैपन टू नोटिस दैट अ सेक्शन ऑफ द क्लिफ फेस देयर इन द डिस्टेंस लुक्स ऑलमोस्ट मैन मेड, है किधर, ओ ये रहा, ओ क्या आंखें यार इसकी, देख लिया इसने तो, कहीं से भी ढूंढ निकाला। माय स्मार्ट मैन टेल मी, यू कैन सी इट टू, यस आई वुड टेक अ क्लोजर लुक इफ आई कुड गेट देयर ऑन माय ओन। मैं तो जा रहा हूँ, तू जाए कि ना जाए मैं जा रहा हूँ, बट अब नहीं, इस वक्त नहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में जाऊँगा। इस वक्त मैं खाली इधर मार्क कर दूंगा ऐसे, वेरी नाइस। कहाँ पे पड़ता है ये, ओ बहुत दूर है एक्चुअली, ओके I will mark this with this. कुछ अच्छा होगा वहाँ पे, मतलब आई होप कि कुछ अच्छा हो, फिर पता चले कि वहाँ जाके सिर्फ एम्बर मिला पेटी में से, ठीक है आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। मेरे को जाना है इस वक्त इधर, तो मैं वहाँ जाके मिलता हूँ आप लोग को, ठीक है। अरे साइड में हट ना रे तू, बीच में क्या बैठा रहता है इधर। ओके माय फ्रेंड्स, मैं रास्ते में हूँ यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हैं मैप पे, मैप के ऊपर। और अगर आप लोग दो मिनट रुकोगे तो मैं जादू दिखाऊंगा तुम लोग को, जादू तो नहीं दिखाऊंगा बट देखो, जस्ट वेट एंड वॉच ओके। मैं खाली ये पहाड़ चढ़ लूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ जो भी दिखाना है, बिकॉज मैंने देखा वो चीज़, और वो चीज़ है ये, एक तो नज़ारा है ये टावर का, और उसके बाजू वाले दूसरे पत्थर के टावर। अरे यार तुम लोग बीच में क्यों, जब भी कोई ज़रूरी काम करना होता है तब लोग ये लोग बीच में टांग अड़ा देते हैं, मतलब पंख उड़ा देते हैं उन लोग के, ये लोग होते हैं या फिर भड्डी वाले बंदूक होते हैं, दो लोग होते हैं। बट ये दिखाने वाला था मैं तुम लोग को, ये पीछे देखो, इट इज़ अ वेरी नाइस नज़ारा, ड्रैगन निकल रहा है पहाड़ में से, ड्रैगन निकल रहा है और पता नहीं कहाँ जा रहा है, बट एक बार मेरे को जाके देखना है कि क्या एक्चुअली क्या चक्कर क्या है ड्रैगन का। अरे यार ये लोग भी आ जाते हैं बीच में, मैं अभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, बट सो यहाँ पे ये पजल है, क्या नाम था उसका, कोराक पजल, ओ किधर गया, अच्छा ये रहा, ओके ये मेरे को नहीं करना है इस वक्त। मेरे को बताना मत तुम लोग कमेंट्स में कि ये ड्रैगन से क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल मत बताना, नहीं तो एज ऑलवेज धमकी देनी पड़ेगी मुझे तुम लोग को। बट ठीक है, हम लोग इधर आ गए। सो रीटो विलेज, जैसे मैं बता रहा था आप लोग को कि रीटो विलेज यहाँ से बहुत पास में है, मुझे ऐसा लग रहा है देखिए। सो वी विल ट्राई टू गो देयर आफ्टर दिस, बट ये देखो डिवाइन बीस बहुत पास में है, अब पास में है, अब मुझे साफ बात करनी पड़ती है, बट दैट इज़ वॉट इट इज़। ओ यहाँ पे क्या ये, ओ ओके ये तो कैसल के ऊपर था ना, ये पिंक चीज़ें, क्या नाम है उसका, ब्लाइट, दे कॉल इट ब्लाइट, ब्लैक एंड पिंक ब्लाइट। अरे पत्थर वाले लोग कैसे हो तुम लोग,
बहुत क्यूट होते हैं ये लोग। एक्चुअली मुझे अब याद भी नहीं कि मैंने ये वीडियो में बताया कि नहीं बताया, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि मैं कोई चीज़ के साथ या कोई क्रीचर के साथ मिल लेता हूँ गेम में और मैं वीडियो में वो चीज़ नहीं दिखाता, सो मुझे याद नहीं रहता कि वीडियो में जब वो चीज़ पहली बार दिखाया था पहले दिखाया था कि नहीं दिखाया था, पता नहीं, मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग होती है, मतलब आप लोग समझ सकते हो, पर मेरी दुविधा समझो प्लीज़। ठीक है, इस वक्त हम लोग वी विल फोकस ऑन द टास्क एट हैंड विच इज़ क्लाइंबिंग दिस टावर। अब यहाँ पे ब्लाइट है तो आई थिंक ब्लाइट को डॉच करते हुए जाना पड़ेगा आगे, और ये पत्थर वाले लोग हैं, क्यूट क्यूट बच्चे, छोटे बच्चे, पत्थर वाले बच्चे, जिनसे हमको इस वक्त एक्चुअली उनसे दे आर नॉट दैट डेंजरस, उनको खाली एक बॉम्ब से उड़ा सकते हैं। ओके गाइज, मेरे को उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस वक्त मेरे को टावर दिखाना है आप लोग को, सो आई विल जस्ट कीप गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते रहेंगे लाइफ में। सो लेट्स सी, हम लोग आ तो गए यहाँ पे और डिवाइन बीस्ट बहुत पास में उड़ रहा है यहाँ पे, सो ये ओ भाई साहब क्या बात है, ब्लाइट देखो आसपास। ये डिवाइन बीस्ट जो है, ये डिवाइन बीस्ट का फोटो तो लेना ही पड़ेगा यार, बिकॉज इतना पास से, एक्चुअली ज़ल्दा का एक ट्रेलर था उसमें ये डिवाइन बीस्ट दिखाया गया था, सो दैट्स ना, ओह ये क्या, नाइस ऐसे ही पकड़ लिया मैंने। ओके सो यार इसकी आवाज़ सुनो, बुलबुलों की आवाज आ रही है अंदर से ब्लाइट से, सो यहाँ से मैं उड़ के जा सकता हूँ आई थिंक, या फिर मे बी आई कैन ट्राई टबांथा टावर, ओके मे बी आई कैन ट्राई फ्रॉम हियर, लेट्स सी, चढ़ना भाई, कभी कभी ये ग्लिची हो जाता है बहुत गेम में। ओके हम लोग ऊपर तो आ गए, अब यहाँ पे भी ब्लाइट लगाए क्या करेंगे, ओ ये रहा इसका जो सोर्स है ब्लाइट का, इसको शूट करना पड़ता है, सो वी जस्ट नीड टू शूट इट फ्रॉम हियर, तीर लगाना पड़ेगा एक सही वाला, एक बार मार देंगे तो बात हो जानी चाहिए, प्लीज। अच्छा उतना, ओके रास्ता बन गया, नाइस, तो अब मुझे उड़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा, ओके समझ गया वेरी नाइस, मुझे लगा सिर्फ उसको उड़ा के सारा ब्लाइट चला जाएगा तो मेरे को यहाँ से सीधा सीधा जाने का रास्ता मिल जाएगा, बट ठीक है ये भी सही है, कोई नहीं लंबा रास्ता है चूज़ करेंगे हम लोग, कोई देसी लोग ऐसे बोलेंगे कि घी टेढ़ी उंगली से नहीं, सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, वैसा सिचुएशन है ये, सो आई थिंक अब तो सीधा सीधा है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स आई थिंक, लेट्स सी, हाँ ऊपर सीधा रास्ता है तो डायरेक्टली ऊपर मिलते हैं हम लोग। ओके माई फ्रेंड्स आर यू रेडी, ये तो थक गया भाई, ही इज नॉट रेडी, नाउ ही इज रेडी, ठीक है लेट्स डू इट। ओके ये एरिया बहुत मुझे अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द डिवाइन बीस्ट, आई थिंक ये एरिया में बहुत तेज हवाएं चल रही है, देखते हैं क्या अनलॉक होता है, नाइस पूरा एरिया लेफ्ट साइड का कवर हो गया, सो That's a good thing. देखना पड़ेगा अब आसपास क्या है, एक तो डेफिनेटली पता है रीटो वाला एरिया है, और एक सेकेंड रुक जाओ, ये मार्कर की जरूरत नहीं है, अब ये भी निकाल देते हैं, डिलीट, नाइस। सो ये रास्ता था जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, मतलब मैं आया जिस रास्ते से, मैंने आप लोग को नहीं दिखाया बिकॉज यू डोंट नीड टू सी दैट, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आई थिंक वो उड़ रहा है डिवाइन बीस्ट, लेक टोटोरी क्या नाम है, टोटोरी, ठीक है लेट्स सी आसपास क्या हो रहा है, ये वाला जो है यहाँ पे श्राइन है, सो वी विल डू दैट श्राइन, बट आई विल नॉट शो यू दैट श्राइन, सो आई विल डू द श्राइन, यू वॉन्ट डू द श्राइन, ठीक है लेट्स सी यहाँ पे क्या है, ये
ओ ये तो ब्लाइट है नीचे अभी भी, ये विंड मिल्स जैसा कुछ है टावर्स के ऊपर, तीन चार ऐसे लगे हुए, सो वो है। और ये वाला टावर हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, सो दैट्स दैट। और क्या है, ओ ये डिवाइन बीस्ट है, ओके यहाँ पे उड़ रहा है ये, आई थिंक वहाँ पे रीटो विलेज है, सो दैट इज़ वेयर वी नीड टू गो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग उधर जाएंगे, और आई थिंक यहाँ पे तो दुनिया ख़त्म हो रही है, सो ये क्रेटर जैसा है नीचे, एंड ब्लाइट, ये पत्थर के अलावा और कुछ दिखता नहीं, मुझे थोड़ा आगे आना पड़ेगा, बट संभल के बिकॉज लास्ट एपिसोड में मैं गिर जाता था टावर के ऊपर से, सो दैट्स दैट। और आई थिंक यहाँ पे और कुछ नहीं है, सो हम लोग अब चलते हैं रीटो विलेज की तरफ, एंड आई विल सी यू गाइस व्हेन आई रीच देयर। ठीक है गाइस, मैं एक्चुअली रीटो विलेज तक तो नहीं पहुँच पाया, बट सामने एक स्टेबल है रास्ते में, सो आई जस्ट थॉट के एक बार देख लेते हैं, बिकॉज उसने एक इंसान ने बोला था हमको कि यहाँ पे बर्ड वाला जो म्यूजिक वाला, मतलब कास नाम है उसका, कास या कैस जो भी है, वो यहाँ पे होगा, सो आई डोंट थिंक कि उसके पास कुछ नया है बताने के लिए, बट फिर भी एक बार मैं आई वॉन्ट टू सी कि उसके पास अगर कुछ नया है तो हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी रखी है, मतलब लकड़ी नहीं, लॉग्स रखे हुए, और उसमें से मैं लकड़ी निकाल सकता हूँ, सो आई विल डू दैट एंड आई विल सी यू गाइस आफ्टर आई एम डन विद दैट। ओके ठीक है गाइस, सो वो एक्चुअली सही बोल रहा था, बिकॉज आप लोग को म्यूजिक सुनाई दे रहा है, यहाँ पे ये रहा कास पीछे, सो और कुछ आजू बाजू में है नहीं, तो हम लोग बात करते हैं उसके साथ। We meet again. I'm glad to see you in one piece. Okay. We are actually very close to my hometown of Rito village and I must admit I am feeling incredibly homesick. घर के पास में इसको homesick क्यों लग रहा है यार? घर से दूर होने से homesick लगना चाहिए। I had to leave my wife and children back in the village. I'm sure they are doing just fine. Just fine. But you see, I cannot go home until I fulfill my promise to my teacher. Promise? My promise to... On second thought, now is not the time. अरे बता ना यार, क्यों भाव खा रहा है यार? But if I am able to learn all of the ancient songs, I will tell you my promise back in my hometown. मतलब ये promise कर रहा है कि वो अपने को उसका promise बताएगा। ये कैसे चलेगा मुझे नहीं पता, बट लिसन टू मी ब्लैथरिंग ऑन, आई नीड टू फोकस ऑन माई क्राफ्ट। आई हैपन टू नो अ सॉन्ग अबाउट द एंशियंट हीरो, इट वॉज पास डाउन टू मी बाय माई टीचर, डू यू केयर टू हियर इट? लेट्स हियर इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम का सेम होगा, बट फिर भी अगर सेम होता है तो मैं स्किप कर देता हूँ। लेट्स सी। ओके सेम है, ओके आई स्किप इट। ठीक है, एक्चुअली सॉन्ग सेम ही था, आई डोंट नो हर बार वो ये सॉन्ग क्यों बताता रहता है, बट थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज कम बैक एंड हियर इट अगेन सम टाइम। क्यों मैं वापस वही का वही सॉन्ग क्यों सुनूंगा? मुझे कोई बताएगा मैं क्यों करूँ ऐसा? मेरी मति मारी गई है क्या? लेट्स सी व्हाट दिस लेडी हैज टू से। अरे ये तो चली गई अंदर, कोई नहीं हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, ये एक्चुअली बाहर वापस आ गई, सो लेट्स टॉक टू हर। हेलो, डू यू नीड अ बेड? क्यू सुबह के शाम के 4:30 बजे क्यू? वेयर एम आई? ये इंटरेस्टिंग है। आर यू लॉस्ट और समथिंग? दिस इज रीटो स्टेबल, वी कैन हेल्प यू विथ हॉर्स अफेयर्स एट द काउंटर आउटसाइड, और यू कैन स्टे द नाइट एट द इन इनसाइड। और ये है लिंक का 360 व्यू। If you're wondering why we call this place Rito Stable, well, you see that tower over there? Dikh raha hai, uske aas paas divine beast bhi ud raha hai. We took our name from the Rito people who live there. Maine bola ki Rito log wahan pe rehte hai. That's where we need to go next. Correct? Sirf itna batane ke liye hum logon ne isse baat ki. सो लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं और कौन लोग हैं अंदर। कोई दारू नहीं पी रहा है इस बार, दारू की बॉटल्स है वैसे, जग्स है एक्चुअली। रूमर मिल वॉल्यूम टू रीड। ग्रीटिंग्स फ्रॉम ट्रेसी, योर सोर्स फॉर द बेस्ट गॉसिप एंड न्यूज। क्या लिखा है इसमें? हैव यू बीन हियरिंग एनी गुड स्टोरीज ऑन योर ट्रैवल? आई हैव गॉट अ ग्रेट वन फॉर यू टुडे।
ठीक है, उसी के लिए हम लोग आए यहाँ पे. द स्वॉर्ड दैट सील्स द डार्कनेस, सबको पता है इस स्वॉर्ड के बारे में. इट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर. द ओनली वन हु कैन वील्ड दिस स्वॉर्ड कैरीज द ब्लड ऑफ द हीरो इन देयर वेन्स. हीरो का खून चाहिए रगों में. That's what they say about this special blade. Rumor has it the blade has been hidden away in a forest somewhere. और ये है हीरो. हीरो की शक्ल ऐसी दिखती है, ठीक है. I have to admit that this rumor really has me interested, but sometimes you have to face reality. My reality is there isn't any hero in my bloodline, so this sword would just be a big paperweight to me. क्या कर सकते हैं इसका यार, होपलेस. कोई मैं मेरा हो गया यार, मेरे को नहीं पढ़ना है, छोड़ो. ट्रेसीज रिकमेंडेशन 1 स्टार. कुछ भी बोल रही है यार, ये बहिष्कार करना पड़ेगा ये ट्रेसीज रिकमेंडेशन का. एनीवे ये देखते हैं, यहाँ पे रेसिपी दी गई है कोई चीज़ की, जिस चीज़ का नाम मुझे आता नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन. बट फिर भी हम इसका फोटो ले लेंगे और बनाएंगे ये चीज़, खुद ही बनाएंगे, देख लेंगे. इस बार भी इसमें कोई नहीं है यार, सब किधर गए. हेलो, नोबडी देयर, एनीबडी देयर. बाहर कोई बैठा है आई थिंक, बट ये इंसान तो सेम है, इसके पास कुछ नया नहीं होगा. ये इंसान, सेम इंसान इधर भी आ जाता है, और अब सेम इंसान इधर भी आ जाता है. इसको थोड़ा दौड़ाते. हेलो How are you doing? Welcome. Will you be staying with us? A regular bed will cost you 20 rupees. Soft bed is 40. Come see us again. Okay. Yahan pe baithe log. The thing about me is I just can't get enough spice in my life. Okay. Spicy. I need that burny tingle. I need curry rice. Theek hai. Uncle ko. दादाजी, एक्चुअली दादाजी को करी राइस खाना है, स्पाइसी चीज़ें खानी है. नाउ आई हैव हाइलियन राइस ऑन हैंड विच आई नीड टू मेक करी राइस, बट आई एम फ्रेश आउट ऑफ गोरॉन स्पाइस. ये लाना पड़ेगा अब दादाजी के लिए, गोरॉन स्पाइस, गोरॉन सिटी से. आई कांट जस्ट रन ऑफ एंड लीव दिस टेबल. क्यों भाई, तुम तो वैसे भी बैठे रहते हो पूरे दिन, कोई काम तो करते हो नहीं. If you happen to get your hands on some Goron spice, can you give it to me? Sure thing. Thank you kindly, Sony boy. Sony boy. Mera naam Sony boy. Curry rice always warms me right up. So I think curry rice agar hum hamare liye banaye to wo cold areas mein kaam lagega. Curry for what ails you? That is our side quest, jo baad mein karenge hum shanti se. देखते हैं अब दूसरा बंदा क्या बोलता है. हेलो, आई लाइक योर बियर्ड माय फ्रेंड. हा 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 माय गाय, यू आर हियर टू डू द थिंग राइट. कैसी बातें कर रहा है यार तू, कैसी बातें. नो वे, आई एम नॉट हियर टू डू द थिंग. ओ आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग. इसमें क्या हंसना है यार. वेल लुक हु इट इज. सो यू आर हियर टू डू दैट थिंग राइट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द थिंग. Come on, you know, the thing. Climbing the snowy mountains. कौन से snowy mountains? आसपास तो कुछ भी नहीं है. There is no snowy mountains, my friend. तुम गलत जगह पे हो. तुमको किसी ने बताया नहीं. I was confident I could handle the cold, so I didn't wear anything special. But the Hebra mountains are really cold. Like seriously cold. Cold enough to send you to your grave, I'd say. So be careful out there. Yeah. Yeah, sure. Okay. Kya itna kya hasna hai? I don't know what's so funny, my friend. I don't know. Ice cold. I don't know. Kuch to gadbade yaar. Tere dimag mein kuch to gadbade. Maybe thand chad gayi hai tere dimag ko. So kya. क्या ये क्या था, मे बी मेरे दिमाग को भी ठंड चढ़ गई है. यहाँ पे मारना नहीं था, बिकॉज आई कांट हिट एनीथिंग ओवर हियर. वहाँ पे बीडल चल रहा है, चल के जा रहा है, उसको पकड़ना पड़ेगा. बट मे बी इस वक्त नहीं, मे बी लेटर. ओके गाइस, मैं जा रहा हूँ आगे रीटो विलेज की तरफ. और ये देखो, देर इज एक्चुअली बर्ड मैन, बर्ड वुमन आई थिंक. नहीं, बर्ड मैन. गुड डे. हेलो मिस्टर,
गिसेन, जसेन, गिसेन, डिड यू नीड समथिंग, हु आर यू? आई एम गिसेन ऑफ द रीटो, द रीटो, यस, ये पूछता ऐसे रहे जैसे नहीं पता था इसको, द रीटो ऑफ लेक टोटोरी, वेयर द मेन आर फाइन आर्चर्स एंड द वुमेन बेटर सिंगर्स. ओके, इंटरेस्टिंग. यू बीइंग अ हाइलियन, आई एम सरप्राइज यू हैवंट हर्ड दैट बिफोर. वही बोला मैंने. You should visit the village if you get a chance. I will. That's what I'm here to do, my friend. That's what I'm here to do. वही करने आए हैं हम लोग. ब्रिज देखो, ब्रिज की क्वालिटी देखो. Look at the craftsmanship of the bridge. कितना कितना सही बनाया इन लोगों ने ब्रिज. एक मिनट, मैं पहले अपना वेपन सिलेक्ट कर लूँ, फिर तुम लोग देखना शांति से. Look at this bridge. Look at how beautiful this bridge is. और ये देखो, lights देखो. सही बनाया ये. वुड का चीज़ें बनाना तो इन लोग को ही आता है, कोई और किसी को नहीं आता है. ठीक है, सो फ्रॉग मिल गया मेरे को और ये पेड़ काट रहा हूँ मैं. डीफॉरेस्टेशन, दैट्स व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट. ग्लोबल वार्मिंग गया तेल लेने, वी आर डूइंग सम डीफॉरेस्टेशन. ठीक है, ओके गाइज, हम लोग, ये लास्ट ब्रिज है और इसके ब्रिज के बाद रीटो का विलेज शुरू होता है आई थिंक. सो बट यहाँ पर मैंने कुछ देखा है. एक मिनट, अच्छा स्टोन माइन है. ओके, नेवर माइंड. ओहो हो भाई, कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है इधर. अभी फाइट करना है क्या इसके साथ? ओ कटसीन, स्टोन का बना हुआ है यार ये. वाओ, कितने पंखे लगे हैं? 8 पंखे लगे हैं इसके विंग्स के ऊपर और बॉडी के ऊपर. ईगल के शेप का बना है आई थिंक. और ये उसके बैठने की जगह है शायद यहाँ पे. भयानक, अति भयानक. ओके, इतना ही बताना था इन लोग को मुझे आई थिंक. और ये दूसरा बर्ड आया. हेलो, आर यू ट्रैवलर? इसका नाम माजली है. माजली, आई'd लाइक टू शो यू अराउंड बट नाउ इज नॉट रियली ए गुड टाइम. व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो रहा है भाई? डू यू सी दैट बीस्ट इन द स्काई? दैट्स डिवाइन बीस्ट वामेडो. ओके, इट शोड अप अ वाइल्ड बैक. द रीटो वॉरियर्स हु फ्लू अप टू चेक इट आउट वेयर शॉट डाउन. ओके, दे से इट यूज्ड टू बी अ डिवाइन बीइंग दैट प्रोटेक्टेड द विलेज. But it doesn't seem very divine to me. बात तो सही है यार माजली, तुम्हारी बात सही है. Thankfully, the thing only shoots at anything flying high up above the village. But still, it is pretty demoralizing for us, Rito, to have to fly so low to the ground. Okay, okay. Any other questions? Can't talk now. Don't let me keep you, okay? समझ गया मैं, मुझे आइडिया आ गया. सो आई जस्ट नीड टू गो अप. देखते हैं ये रास्ता कहाँ पे ले जाता है हमको. ओ स्टैचू, गॉड स्टैचू है ये. ओके, अभी तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? हेलो, हे व्हाट्स अप फाइसन. सो हैव यू सीन इट? डिवाइन बीस्ट वा मेडो. आई सॉ इट. एवरीवन इन द विलेज इज फ्रीकिंग आउट बिकॉज ऑफ इट, बट आई हैव बिगर problems. My mom is so annoying. She asked me to help out at the store every single day. I can't take it anymore. दुखी आ रहा है ये, इसको पूरी दुनिया का दुख सवार है इसके सिर पे. I don't want to just help. Okay, तो क्या करना है भाई तुझे? I want to open my own store and sell whatever I want. ऐसे बैठे रहेगा तो काम हो जाएगा इसका, समझ रहे हो तुम? जॉब नहीं करना है, बिजनेस करना है, बट बैठे रहोगे तो काम हो जाएगा. इट्स अ गुड प्लान, इट्स अ वेरी गुड प्लान. एनीवे, रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पे म्यूजिक बहुत सही बज रहा है. ये लोग गॉसिप कर रहे हैं. हेलो, ओ यू आर अ ट्रैवलर. आई एम अ ट्रैवलर. वी वर जस्ट चैटिंग अबाउट दैट मॉन्स्टर इन द स्काई, यू नो, डिवाइन बीस्ट. Wah, meadow. Turns out that a long, long time ago, that thing was on our side. Right, a long time ago, the champion of Rito Village, Rivali, tamed that beast
and used it to protect the village. According to the elder at least, and I believe him. You should believe him. So the story goes, but why did it start attacking us now? Soch raha hai ye, gehri soch mein duba hua hai, main bhi soch raha hu. Why? Why? Somebody tell me why. तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक मिनट यहाँ पे रीड ज़ोरास डोमेन तो ठीक है, फ्री द डिवाइन, हाँ इसमें चार में से एक है, डिवाइन बी स्वा मेडो पायलटेड बाय रिवाली ऑफ द रीटो. ओके सो ये वो करना पड़ेगा हमको, रिवाली ऑफ द रीटो. लेट्स सी ऊपर कौन है यहाँ पे, और ऊपर जा रहा है. ओके कितना ऊपर जाएगा ये, सही बहना है वैसे ये सब. वुड का कंस्ट्रक्शन बहुत सही है, वेरी मॉडर्न, वेरी फ्लैट. बच्चा था वहाँ पे रीटो, रीटो बेबी यहाँ पे. ओ ये ये बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. मुझे सबसे ऊपर जाना है. ओह ओके ये आ गए हम लोग, ठीक है. यहाँ पे ये अंदर आउल है एक्चुअली. Look at his face. Look at his face. क्या दाढ़ी बनाई है यार. This deserves a photo. मैं पूछे भी नहीं इनकी, इनका फोटो ले रहा हूँ. So bad manners. Visitor, welcome to. Oh oh. क्या हो गया? That object on your hip. Could it be? Forgive me, where are my manners? I am Kaneli, Kaneli, elder of Rito village. Now then, is that not a Sheikah slate dangling from your hip? No it's not. Badi masti karte. Oh, so I was mistaken. Ye to maan bhi gaya yaar, bahut jaldi. Okay, phir se baat karni padegi ab. Mujhe laga kuch funny bolega, isliye maine bola ki no it's not. Oh my, so it is true. Excited ho gaya. That means you must be a champion like Master Rivali. One of the few able to board Divine Beast Wa Meadow. Oh, mujhe nahi pata tha ye. No, what am I thinking? The champions have all been dead for 100 years. This boy must be a mere descendant, an inheritor of the Sheikah slate. Ah, forgive me. खुद अंदर अंदर बात कर रहे हैं खुद के साथ. चैंपियन डिसेंडेंट, इफ यू वुड लिसन टू दिस ओल्ड मैन्स रिक्वेस्ट यू वुड हैव माई इटर्नल ग्रैटिट्यूड. कितना मैनर्स से बात करता है यार. थैंक यू ट्रूली. खुश हो गया. नाउ दैट आई नो यू हैव द ब्लड ऑफ अ चैंपियन, देयर इज समथिंग आई मस्ट आस्क ऑफ यू. हाउ शैल आई पुट दिस, कैसे भी रख दे यार अपनी बातें, कोई मैं किसी को नहीं बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. आई वुड लाइक यू टू डील विद डिवाइन बीस्ट वा मेडो, द जायंट बीस्ट सर्कलिंग अबव अस. ओके ऑकवर्ड साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस. कोई आगे कुछ बोलेगा? हेलो, आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी. ओनली अ चोजन वन, अ चैंपियन कैन स्टॉप अ डिवाइन बीस्ट. यू मस्ट एंटर द बीस्ट एंड बेंड इट to your will. कितना पैसा मिलेगा अपने को ये काम करने का? पैसा की बात करो तो मैं कुछ आगे बात बढ़ाऊंगा. आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग दिस टू द मोर हेड स्ट्रॉन्ग रीटो वॉरियर्स बट दे वुडन्ट लिसन टू रीजन. क्यों? उनको पैसा नहीं दिया होगा. टेबा एंड हार्थ ट्राइड टू कन्फ्रंट मेडो बट इट डिड नॉट गो वेल एंड हार्थ वॉज इंजर्ड. Teba escaped unscathed, but I fear he now plans to face Meadow alone. As a descendant of the champions, perhaps you can help us. I don't know, man. Please find Teba. If you work together, you may be able to stop Divine Beast Wa Meadow. अब Teba को ढूंढना पड़ेगा. Meadow को मारने के लिए Teba को ढूंढना पड़ेगा. सब विचित्र नाम दिए हैं इस दुनिया में सब लोगों को. लेट्स सी ये Teba किधर है, देखना पड़ेगा आसपास जाके. आई थिंक इन्हीं कोई ये घर तो नहीं है. ओ हेलो पिंक कलर के बर्ड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. ओ इसके बाल देखो, ये तो पक्का फीमेल है.
और हम ऐसे ही परमिशन के बिना फिर से फोटो खींच रहे लोगों का, कोई एक दिन हमारी धुलाई कर देगा इसी चक्कर में। Forgive my intrusion, but I overheard you speaking with the elder. फोटो हमने खींचा without permission. हमको सॉरी बोलना चाहिए और ये सॉरी बोल रही है. It sounds like you intend to help my husband, Teba, in the fight against Meadow. Oh, ये Teba की वाइफ है. Okay. Okay. But to tell the truth, there is not much I can do for you right now beyond telling you where my husband went. Where did he go? काम की बात बताओ पहले, बाकी सब बाद में. My husband headed to a place called the flight range. Flight range, huh? It's in Dronox Pass at the base of the Hebra Mountains. लोगों के नाम विचित्र है और लोगों से ज्यादा जगहों के नाम विचित्र है. Everything is Vichitra. It's a place where Rito warriors prepare for aerial combat. Okay. I imagine he is gone there to gather weapons for another run at Meadow. Weapons वहाँ पे gather. Okay. As it happens, he made his way to the flight range on foot this time. If you take off from Rivali's landing, it's a straight shot down to the flight range. Rivali's landing is a memorial for the Rito champion Rivali. So named in the hope that none might forget the events of that horrible day. Oh, cutscene. Ye memory kya? Okay, memory wala music baj raha hai. हाँ, एक्चुअली मेमोरी है ये. ओके, डिवाइन बीस फिर से ब्लू कलर का है इस बार इंस्टेड ऑफ पिंक. Impressive, I know. Very few can achieve a mastery of the sky. Yet I have made an art of creating an updraft that allows me to soar. It's considered to be quite the masterpiece of aerial techniques, even among the Rito. With proper utilization of my superior skills, I see no reason why we couldn't easily dispense with Ganon. Now then, my ability to explore the firmament is certainly of note. But let's not, pardon me for being so blunt, let's not forget the fact that I am the most skilled archer of all the Rito. Yet despite these truths, it seems that I've been tapped to merely assist you. All because you happen to have that little darkness-sealing sword on your back. I mean, it's just asinine. Unless you think you can prove me wrong, maybe we should just settle this one-on-one. But where? Oh, I know. How about up there? Oh, you must pardon me. I forgot you have no way of making it up to that divine beast on your own. Good luck sealing the darkness! Okay, bada hi attitude wala hai ye. I think ye Rivali tha. ये सीन दिखाया गया था ट्रेलर में, वन ऑफ द ट्रेलर्स. डिसेंडेंट, क्या हो गया इसको? डिसेंडेंट, आर यू ऑल राइट? आई एम ऑल राइट. इसका पोस्टर देखो. माय अपोलॉजीज, आई फियर आई हैव सेड फार टू मच. यार, यहाँ के लोग बहुत पोलाइट है, हर एक चीज में सॉरी बोलते हैं. So sweet. If there is anything you do not understand, please do not hesitate to ask. Sab sahi sahi samajh pad gaya. Nothing to worry about, ma'am. Hum log aage badhte hain. This is flight range. Nahi, flight range nahi. Kya tha naam? Rivali's landing. Ya aisa kuch tha. Bhul gaya main. So, flight range kahan pe? Flight range pe apne ko jana hai. So, nahi, ye to stable hai. Ye stable se hum log aaye na?
आई थिंक वही स्टेबल से हम लोग आए यहाँ पे. सर रिवाली बहुत एटीट्यूड वाला था भाई यार. ये कौन है, सो रहा है, ये सो रही है, जो भी है. हार्थ, ओ हे बडी, आई एम गेसिंग यू कॉट विंड ऑफ दैट मॉन्स्टर सर्कलिंग अराउंड आवर विलेज. ये हार्थ जिसको जो फाइट करने गया था, जो अपने को लीडर ने बोला. आई सपोज आई शुड गेट यू अप टू स्पीड ऑन वॉट वेंट डाउन. प्लीज डू, हियर गोज. बताओ भाई. You see this wound here on my wing? I got shot by that thing in the sky. Divine Beast, Wa Meadow. Okay. Legend has it that monster was once the protector of this village. But those days are long gone. As soon as Teba and I approached the thing, it just shot at us out of nowhere. We tried to fight back, but I was too slow and I got hit. Okay. Thankfully, Teba caught me while I was falling from the sky. We had no choice but to retreat. When I think about what would have happened had Teba not been there, still gives me the bumps. Okay. So you're planning to go find Teba? I will tell you everything I know. Who's Meadow? Divine Beast Wa Meadow. इसने एक्चुअली सब बता दिया, बट फिर भी हम लोग दूसरी बार पूछ रहे हैं. I don't believe it myself, but some say it used to protect our village before disappearing 100 years ago. Teba and I got to wondering about it, and when we went to investigate, it just opened fire on us. Hence the injury. हाथ वाट टूट गया इसका. But as soon as I recover, I plan to fly up there with a whole mess of bomb arrows and blow its cannons to bits. Okay, yaar iske paas to plan hai. Okay, mere ko bhi plan banana padega. Anything else you want to ask? Who is Teba? Teba, him and I go way back. As far as flying goes, he is undoubtedly the best in the village. Okay. His only downside is that he's reckless and he has a bit of a temper and he can be rude, but we look out for each other. Okay, friends forever, BFFs. But the way he was talking, saying that he was going to blow Meadow out of the sky. He wants to go up there alone, which is absolutely insane. What kind of moron with a wife and a kid does that? Okay, anything else you wanted to ask about? You are, ye ek hi bacha hai option. Me? I am Hearth. Bowcraft is my trade. Okay, ab to haath bacha nahi. Hearth ka haath gaya. My boyhood dream was to be a warrior, but I gave that up once it came time to inherit the family business. My daughter Molly is around the same age as Teba's kid Tulin, so our families spend a lot of time together. Hold on, is any of this helpful at all? Okay, ठीक है, अच्छा है, समझ पड़ रहा है स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में. इट्स गुड, इट्स प्रीटी गुड. आप में से बहुत लोग आई थिंक यू डोंट केयर. बट इसका हाथ टूट गया, एक्चुअली पंख टूट गया है, हाथ तो नहीं है, बर्ड है, बर्ड मैन है. सो ठीक है, देखते हैं आसपास और क्या है और कौन से बिल्डिंग्स. ये इन लोग के घर है, मतलब दे डोंट इवन हैव फुल बंद हो सके वैसे घर नहीं है. ओ ये क्या है, पिकअप. अच्छा, टूट भी है. किसी को बताना मत मैंने ये तोड़ा. यहाँ पे श्राइन है. ओके, सो श्राइन करनी पड़ेगी, बट मैं श्राइन नहीं दिखाऊंगा. यहाँ पे वैसे भी आज का एपिसोड का टाइम खत्म होने को है. सो आई होप यू हैव एंजॉयड आज का वीडियो. काफ़ी कुछ आज जाने को मिला हमको डिवाइन बीस के बारे में, रीटोस के बारे में और रिवाली के बारे में. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. मे बी नेक्स्ट एपिसोड हम लोग आगे जाएंगे और कैरेक्टर्स से मिलेंगे और देखेंगे क्या होता है. ठीक है, सो अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक एंजॉय माई अदर वीडियोज एंड सब्सक्राइब. ठीक है, बाय बाय.